ऑलराइट जी, फहीमा अब बिल्कुल तैयार है मेकअप के लिए, तो हम फहीमा की जाने आते हैं और देखते हैं कि आज कैसा मेकअप वो करेंगी। जी फहीमा। नाज़िया, मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप करती हूँ, बिकॉज ओवरडू मुझे नहीं पसंद है। ओवरडू आजकल पता है वैसे भी किसी को नहीं अच्छा लगता। हाँ। तो अच्छा है तुम नेचुरली करो। आईब्रोज भी बहुत लाइट नेचुरल। तो फर्स्ट तुम आईब्रोज से आओगी? हाँ, ये फर्स्ट जो है ये आईब्रोज कर रही है और वेरी लाइट, मतलब हल्का सा तुमने बस इसको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल जो है वो पेंसिल से मैंने फेरी है। हाँ, इसको अब मैं, ये ब्रश है, ये ब्रश है, आईब्रो ब्रश, आईब्रो ब्रश है। ओके, अच्छा लेकिन आईब्रो ब्रश जो है ये तुम्हारा, ये मतलब एक नॉर्मल वो कहीं से भी मिल जाता है ये वाला? कहीं से भी मिल जाता है ये, बिकॉज सॉफ्ट होना चाहिए वो, थोड़ा सा हार्ड। मेरी आईब्रोज हैं भी ज़रा हैवी है ना, हैवी हैं माशाल्लाह से, भी आईब्रोज ख़त्म हो जाती हैं माशाल्लाह, तो ये हैवी रहनी चाहिए। कहते हैं कि छोटी उम्र में आपको जो है ना थ्रेडिंग नहीं करानी चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना आईब्रोज ख़त्म होने लग जाती है। ये ख़त्म होने के बाद इनका ये हाल माशाल्लाह से, मुझे पता है तुम्हारे बचपन से ये वाली आईब्रोज। हाँ। अच्छा, हम आप आएंगे काजल, आई लव काजल, बिकॉज कहीं भी जाना होता है मैं काजल लगा लेती हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे। This is like Fahima style. हाँ, अगर आपने अगर Fahima तो ऐसा मेकअप आप ऐसे कब करते हो, जब डे टाइम पर या कहीं दावत पे जा रहे हो? दावत पे, यूजुअली दावत पे, बिकॉज डे टाइम पे थोड़ा सा लाउड हो जाएगा काजल। ठीक है, और यूजुअली मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा बेस भी नहीं लगाती हो। नहीं, है ना, कुछ और शक्ल हो जाती है, कुछ और नेचुरली थोड़ा सा मैं करती हूँ। इसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे शेड से। सही है ये। अच्छा, इसको तुमने मर्ज भी कर दिया, वेरी सॉफ्ट एक ब्रश है जिससे इसको मर्ज कर दिया। नाइस, ठीक है। और कोई आईशेड भी ले रही हो? आईशेड के साथ मर्ज कर रही हूं, के साथ ब्लू आईशेड के साथ। ओह, बिकॉज़ जो मेरा आई कलर है ग्रीन, हां तो ग्रीन ब्लू थोड़ा कुछ डिफरेंट शेड आ जाता है। हां हां, और डिफरेंट देखें, राइट, बिकॉज़ हम ब्लैक लगाते हैं, ब्राउन लगाते हैं, काली आंखें हो जाती हैं, फिर हम जब ब्लू से उसको मर्ज करते हैं तो ग्रीन ब्लू ग्रे डिफरेंट शेड हो जाता है, हो जाता है। राइट राइट राइट, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये होता है कि जिनकी आंखें कलर होती हैं, जिनकी आंखें ग्रे होती हैं, वो अक्सर ग्रे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आप लेंसेज जब पहन रहे हैं ना डिफरेंट कलर के, तो आप उसी से थोड़ा सा ना मैचिंग मैचिंग आपके जो है ना, हाँ, लोअर एरिया उससे होना चाहिए मैचिंग। बस दैट्स इट। ये देखें, ये इनका काजल और आईब्रोज सबसे पहले उन्होंने डन की है। अब हम थोड़ा बेस, हल्का सा बेस, हल्का सा, बिल्कुल हल्का, और ये आपने ब्लेंडर से इसको फिर ब्लेंड कर देंगे। हम ब्लेंड कर वेरी सॉफ्ट बेस, इतना सॉफ्ट इन्होंने लिया है कि बिल्कुल केकी ना लगे, बिल्कुल ये, बिकॉज मुझे सब कहते हैं डार्क बेस लगाया करो, डार्क पे आ जाओ। नहीं भाई, गोरे रंग का फैशन है बस। अब जब गोरा रंग आप इतनी क्रीम से लगाते, गोरा रंग करते हैं आप, है तो आप उसको क्यों काला करें? काला करें, इस क्रीम के मुताबिक कहते होंगे शायद। नहीं, मुझे लगता है गोरी इंजेक्शन लगा लगा कर आ रही होती हैं। हाँ हाँ, वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगा कर वो ऐसी चमकती हुई गोरी हो जाती हैं, और उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। स्टिल फोटोग्राफी के लिए मुझे लगता है डार्क, डार्क थोड़ा सा, थोड़ी सी अच्छा के लिए, हाँ अच्छा लगता है। Actually, नहीं, एक्चुअली मेकअप की बात होती है। मैं फहीमा एक आपको बताऊँ, मेकअप अगर आपने बहुत हैवी करना है तो डार्क बेस चाहिए होती है, और आपने बहुत सॉफ्ट रखना है, नेचुरल रखना है, तो उसके लिए लाइटर बेस की जरूरत होती है। यस, सही है। अब हम आ जाएंगे, बेस हमारा हो गया, हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने फेस को। और कंट्रोलिंग आप ये आपके लिक्विड कंट्रोलिंग आपके पास है। थोड़ा सा मेरा हैवी फेस है, इसको मैं हल्का सा कॉन्ट्रोल। अच्छा, पहले लिक्विड, लिक्विड से ही कर रही होती है? हाँ, लिक्विड से पूरा आपने मेकअप भी, हाँ, प्रोमिनेंट नहीं होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आपने डार्क कंट्रोल किया हुआ है, ये डार्क हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, हाँ, ये चीज। ओह वाओ, वेरी नाइस, हल्का सा कॉन्ट्रोरिंग लिया, कॉन्ट्रोरिंग लिक्विड लिया है बेसिकली, और कॉन्ट्रोरिंग लिक्विड के साथ अगर आपको ज़्यादा उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करना होता है तो फिर उसके ऊपर आप पाउडर लगा लेते तो वो अच्छा जम जाता है, लेकिन आप खाली एकदम से आप फेस के ऊपर पाउडर लगाएंगे ना तो कहते हैं एक पैच सा बन जाता है, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि पहले। अच्छा, ये आप नहीं, हम थोड़ा सा न्यूड शेड्स पे, हम कितने सारे हैं आप, हम कितने सारे हैं? हम दो, हम दो, दो, अच्छा, हम दो बस। तो हम ये है न्यूड शेड्स हैं दोनों, दोनों न्यूड शेड्स, दोनों न्यूड शेड्स लगाए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आपने बिल्कुल लाइट सा एक आंख पे लगाया, बस बस आंख पे हो गया। फहीमा जैसा खूबसूरत भी होना चाहिए इतने मेकअप के लिए, हर कोई कर सकता है मेकअप? हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ठीक है,
अब हम मस्कारा लगाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने मेकअप में यूज़ क्या क्या कर रहे हैं अपने स्किन टोन के मुताबिक। हाँ, मतलब एवरी स्किन टोन इज़ ब्यूटीफुल, मुझे तो हर स्किन टोन अच्छी लगती है। देखो ये आपने, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया। बिल्कुल, वाकई आई बिलीव दिस। और ये इतना अच्छा लग रहा है, हल्का सा देखो तुमने मस्कारा लगाया ना, इनहेंस होगी। देखा मैं, आप लाइनर नहीं लगाते हो? नहीं, लाइनर नहीं लगाती। है ना, अच्छा मजे की बात है, मुझे लाइनर लगाना नहीं आता नाजिया। अच्छा, इसलिए भी ये लगाना नहीं, नहीं अच्छा लगेगा लाइनर मुझे, जो लग रहा है। हाँ, इतना मतलब अगर जिस तरह ये भी है ना, दिस इज गुड इनफ। हाँ बस ये बस वॉल्यूम होना चाहिए, लैश का वॉल्यूम ज्यादा करना है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लाइनर लुक दे देता है। This is perfectly fine. अब हम लिप कलर पाएंगे। लिप कलर में मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, बहुत मिक्सिंग करती हूँ। ये शेड मुझे जब तक पसंद नहीं आता मैं लगाती रहती हूँ। अब हम आएंगे थोड़ा सा ब्लश। अच्छा, एक मेरी न्यूट पेंसिल है, ये भी मैं आँख के अंदर लगाती हूँ, लेकिन अभी खैर नजर नहीं आएगी, बट स्टिल हम थोड़ी सी लगा देंगे। बहुत अच्छा, ये किसका है? ये तो ये है काजल का ही, आई थिंक। अच्छा, काजल वाले। अच्छा, मतलब कहीं से भी मिल जाएगा? कहीं से भी मिल जाएगा, क्योंकि यूजली मैंने को पेंसिल टाइप का देखा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे वो लिपस्टिक टाइप का पेंसिल अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बात अच्छा। अब हम इस पर टेंट पे आ जाएंगे, थोड़ा सा हम रोजी चीक्स यूज करती हो, थोड़ा सा हम रोजी चीक्स कर लेंगे। वेरी नाइस, ये हम हाई चीक बोल सकते हैं। बस अच्छा, नोज कंटूर तो हमने की नहीं, मैं अपनी ब्राउन पेंसिल से अपनी नोज कंटूर कर लेती हूँ। ये भी अच्छा आइडिया, नोज कंट्रोल भी एक पेंसिल से हो गए। हाँ, सब हो जाता है, ये हो गया। सी, ये आइडियाज हैं, ये जो आज फहीमा ने दिया ना, जिसमें हम हमेशा सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और उनसे मेकअप जरूर कराते हैं, तो एक तो मेकअप आर्टिस्ट प्रॉपर वो कर रहा होता है ना कि ये आपने यूँ लगाना है, यूँ लगाना है, लेकिन जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो हमारे टीवी स्टार्स हैं, वो हमेशा जो है आपको नए नए आइडियाज देते हैं। ये आज मैंने पेंसिल वाला नया आइडिया देखा, इनहांस करती हूँ और वो इसी से कर लेती हूँ। डिंपल है मेरा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इनहांस कर लिया। परफेक्ट लग रही हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और आपने जो आउटफिट भी पहना है वो रुखसाना का, विच इज़ लाइक ब्यूटीफुल रुख डिज़ाइन, बहुत अच्छा आउटफिट है। बस तैयार हो गई है, तो अब इनकी एक वॉक हो जाए, उसके बाद फिर और मेहमानों को भी बुलाएंगे।